हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गायत्री कॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी का बटन भी दबाएं ताकि ऑनलाइन क्लासेज से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे है। आज अपन मध्यवर्ती विशाल मैदान जो बी ए पार्ट का फर्स्ट इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मध्यवर्ती विशाल मैदान में अलग अलग यानी कि मैदानों के बारे में अपन ने प्रादेशिक तौर पर भौगोलिक तौर पर अध्ययन किया है। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा कि भौगोलिक तौर पर इसको भाबर, तराई, डेल्टा, खादर और बांगर इस प्रकार यानी कि बांटा जा सकता है और प्रादेशिक तौर पर इसे पंजाब और हरियाणा का मैदान है, राजस्थान का मैदान है, मध्य गंगा का मैदान है और असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान को भी यानी कि विभाजित किया जा सकता है। पंजाब हरियाणा या राजस्थान का मैदान के बाद में जो मध्य गंगा का मैदान है, मध्य गंगा के मैदान के बारे में अपन ने पढ़ा कि इसको तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचले गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान को तीन भागों में बांटा जा सकता है, उसमें मध्य गंगा का जो मैदान है उसको वापस यानी कि उप भागों में भी बांटा जा सकता है जिसमें उत्तरी मध्य गंगा का मैदान और दक्षिणी मध्य गंगा का मैदान। उत्तरी मध्य गंगा के मैदान में गंगा घाघरा दोआब सरयू मैदान, मिथिला का मैदान, कोशी का मैदान और दक्षिण मध्य गंगा के मैदान में गंगा शोन का मैदान, मगध मैदान और अंग मैदान शामिल होगा। इसी प्रकार ऊपरी गंगा के मैदान में कल अपन ने पढ़ा है कि ऊपरी गंगा का मैदान और मध्य गंगा का मैदान के मध्य 100 मीटर समोच्च रेखा के द्वारा ये विभाजित होता है। निचले गंगा का जो मैदान है ये ज़्यादातर पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार में स्थित है तो इसमें निचले गंगा का मैदान का जो निर्माण हुआ है उसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि निचले गंगा के मैदान के बीच के अंदर ये जो स्थिति है, इधर की तरफ प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है जहाँ मेघालय का पठार है, इसे कार्बी एक्लोंग का पठार भी कहते हैं, गारो खासी यहाँ की पहाड़ियाँ हैं। तो ये गारो खासी की जो पहाड़ियाँ हैं और कार्बी एक्लोंग का जो पठार है, मेघालय का पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। लेकिन यहाँ किसी कारणवश यानी भ्रंश होने के कारण यहाँ एक गैप का निर्माण हुआ, उस गैप का नाम था मालदा गैप, मालदा गैप। और मालदा गैप में गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से अवतलीकरण के कारण कालांतर में यहाँ एक मैदान का निर्माण हुआ और उस मैदान का नाम पड़ा निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। तो ये निम्न गंगा का मैदान ज़्यादातर पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार के अंदर स्थित है और दार्जिलिंग का क्षेत्र भी इसमें शामिल है। इसमें चाय की, चावल की कृषि होती है, धान की कृषि भी होती है निम्न गंगा के मैदान में। इसको तीन उपभागों में बांटा गया है, उत्तरी बंगाल मैदान, वास्तविक डेल्टा, राठ का मैदान। इसे तीन यानी कि भाग है, उत्तरी बंगाल का मैदान जो दार्जिलिंग का भाग है और वास्तविक डेल्टा जो दक्षिण का भाग है, सुंदरबन डेल्टा है, गंगा और यमुना के द्वारा निर्मित होता है। राठ का मैदान है वो यानी मध्य में स्थित है। उत्तरी बंगाल मैदान इसको दो भागों में बांटा गया है, दुहार और बारीद, और वास्तविक डेल्टा मैदान है उसको मृत, सक्रिय और परिपक्व के रूप में बांटा गया है। और इस प्रकार राठ का मैदान है उसको बीरभूम, आसनसोल राठ और बांकुड़ा राठ और मिदनापुर राठ में बांटा गया है। ये थे मध्यवर्ती विशाल मैदान में गंगा के मैदान के प्रमुख भाग। अब अपन नेक्स्ट आते हैं मध्यवर्ती विशाल मैदान का चौथा मैदान है जिसको कहते हैं असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत के यानी तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं और जहाँ नामचा बरवा है, नामचा बरवा,
नाम सबरवा के अंदर यानी इस गर्त से ये प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं। जैसे जैसे ये यानी कि वहाँ से शदिया आती है तो शदिया के बाद में असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग आरंभ हो जाता है। यानी कि जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है नामसा बरवा के बाद में ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। सदिया के बाद में ये पहाड़ों से निकलकर मैदानों में आती है और एक समतल मैदान का निर्माण करता है। यहाँ से लाए हुए जितने भी जलोढ़ हैं उनका यानी कि अवसादीकरण होता है। और इसके बाद में यहाँ से सदिया के बाद में इसका मैदानी भाग आरंभ होता है और यहाँ से एक इनकी सहायक नदियाँ जो मिलती है ब्रह्मपुत्र की, जैसे धनसरी है, इसके बाद में यहाँ एक लोहित नदी और मिलती है, कपिली है, उत्तर से भी संकोश है, मानसी है और दिबू लिहांग है, ये तीस्ता इसकी सहायक नदी जो असम के अंदर मिलती है। तो यहाँ से ये सहायक नदी होते हुए असम के अंदर यहाँ पे एक द्वीप का निर्माण करती है। जैसे मैदानी भागों में आता है तो इसका पानी फैलता है और फैलने की वजह से जो जलोढ़ लाए हुए हैं उनसे एक नदीय द्वीप का निर्माण होता है, उसका नाम है माजुली द्वीप और असम से होती है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और इस पूरे मैदान को असम का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में यहाँ जैसे ही असम के बाद में ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है। इधर से जो गंगा नदी है, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाती है। जमुना और पद्मा आपस में मिलती है तो मेघना कहलाती है और ये मेघना नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही संयुक्त नदियों के रूप में एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसको सुंदरबन डेल्टा का नाम से जाना जाता है। ये डेल्टा किस टाइप का है? चापाकार डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा यानी कि डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरी वृक्ष वहाँ पाए जाते हैं, मैग्रोव वनस्पति के जो उदाहरण है उसके नाम पर इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है और ये चापाकार या धनुषाकार प्रकृति का डेल्टा है। अब यदि अपन असम के यानी कि मैदान की बात करेंगे तो इसकी असम के मैदान की शुरुआत कहाँ से होती है? सदिया से होती है। सदिया से लेकर के धुबरी तक, सदिया से लेकर के धुबरी तक असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। तो सदिया से इसकी शुरुआत होती है। सदिया में इसकी चौड़ाई है वो 130 किलोमीटर है और धुबरी में इसके मध्य यानी कि धुबरी में 80 किलोमीटर है। आपको ज्ञात होगा कि भारत में जो जल मार्ग है उसमें भी जल मार्ग का जो भारत का तीसरा जल मार्ग है सदिया से धुबरी के मध्य है वो ब्रह्मपुत्र में स्थित है। तो यहाँ कई छोटी छोटी बोटें भी चलती है और ये एक राष्ट्रीय जल मार्ग है सदिया से धुबरी तक का जो 860 किलोमीटर यानी कि लंबा है। तो सदिया के बाद में ये डिब्रूगढ़ में आती है। डिब्रूगढ़ के बाद में ब्रह्मपुत्र है वो यानी कि शिवसागर है। शिवसागर के बाद में यानी जहाँ पे जोहार हाट में चौरणों देशांतर पूर्वी देशांतर है, चौरणों पूर्वी देशांतर है, वो इस असम के मैदान को, इस ब्रह्मपुत्र के मैदान को दो भागों में बांट देता है। एक ये ऊपरी मैदान है और ये निचला मैदान है, या इसको कहते हैं, इसको ऊपरी मैदान कहते हैं और इसको दक्षिण का मैदान कहते हैं। ये ऊपरी मैदान, इसको ऊपरी मैदान के नाम से जाना जाता है। यानी चौरणों डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो इसको दो भागों के अंदर यानी बांटता है और एक तरफ ऊपरी यानी कि मैदान है और ये जो पूरा मैदान है ये है निचला मैदान। निचला मैदान, यहाँ पर एक द्वीप बनता है उसका नाम है माजुली द्वीप। यहाँ द्वीप बनता है उसका नाम है माजुली द्वीप। तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जोहार घाट में
जोहार घाट के पास में माजुली द्वीप का निर्माण करता है। ये माजुली द्वीप विश्व का एक सबसे बड़ा नदीय द्वीप कहलाता है, तो भारत का भी सबसे बड़ा नदीय द्वीप है और विश्व के जो नदीय द्वीप है उसकी श्रेणी में इनको गिना जाता है। इसका नाम माजुली है। ये कहाँ यानी कि नदीय द्वीप बनता है, जोहार घाट के पास में। 94 पूर्वी देशांतर है वो इसको दो भागों में मैदान को बांटता है, ऊपरी मैदान और निचला मैदान। इसके बाद में तेजपुर, तेजपुर बाद में गुवाहाटी और अंत में ये जो धुबरी है, धुबरी तक इसका विस्तार है। तो इस मैदान का जो विस्तार है वो शदिया से लेकर के धुबरी तक है। ऊपरी मैदान की जो चौड़ाई है वो अधिक है और निचले मैदान की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल कम है, यानी कि 80 किलोमीटर ही है। और इसके अलावा यह ब्रह्मपुत्र का जो उत्तरी भाग है जो सीमांत भ्रंश से आरंभ होता है तथा दक्षिणी भाग है वो नंगा थ्रस्ट है, नंगा थ्रस्ट के मध्य है। इसके विस्तार में पूर्व में जो शदिया और पश्चिम में धुबरी तक ये विस्तार है। इसकी जो पश्चिमी सीमा है, यहाँ की ये जो पश्चिमी सीमा है, ये पश्चिमी सीमा 150 मीटर समोच्च रेखा के द्वारा, 150 मीटर समोच्च रेखा के द्वारा निर्धारित होती है। ब्रह्मपुत्र के दाएं किनारे पर जाली का प्रतिरूप बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो उसका दाया किनारा है, ये जो उसका दाया किनारा है इस पर क्या करता है, जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती है, जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती है। और बाएं किनारे पर ये वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती है और इसका जो बायां किनारा है यहाँ पर वृक्षाकार प्रतिरूप। तो यहाँ पर तो वृक्षाकार प्रतिरूप बनता है और यहाँ पे जो उत्तर का भाग है, दायां भाग है, तो दाहिने किनारे पर जालीनुमा प्रतिरूप बनता है और यहाँ वृक्षाकार प्रतिरूप यानी कि बनता है इसकी सहायक नदियों के द्वारा। इसकी उत्तरी किनारे का ढाल प्रवणता अधिक है, ये जो उत्तरी किनारा है इसमें ढाल प्रवणता है वो अधिक है। और इसकी यानी कि ये किनारे पर क्या है, कगार है। दक्षिणी किनारे पर ढाल प्रवणता कम है, उत्तरी किनारे पर ये जो ढाल प्रवणता अधिक है और ये भाग क्या है, पूरा कगार है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उत्तर की, और जो सहायक नदियां मिलती है जैसे तीस्ता है, संकोश है, मानसी है, सुमान संकोश जो इसका सूत्र है, और ये नदियां ज़्यादातर यानी कगार बनाती है। तो जी इस कगार का निर्माण यहाँ उत्तर की ओर भाग में ज़्यादा होता है। दक्षिण में ढाल प्रवणता है, दक्षिणी किनारे पर ढाल प्रवणता है वो कम है। मध्यवर्ती जो भाग है उसमें भी ढाल प्रवणता कम है और इस मध्यवर्ती भाग में ढाल प्रवणता कम होने के कारण गुम्फी नदी हो जाती है। मध्यवर्ती जो भाग है, ये भाग है, यहाँ ढाल प्रवणता है वो यानी कि कम पाई जाती है और यहाँ ये नदी क्या हो जाती है, बिल्कुल गुम्फित हो जाती है, गुम्फित नदी हो जाती है। और गुम्फित नदी की वजह से ही माजुली द्वीप का निर्माण होता है, गुम्फित नदी की वजह से ही माजुली द्वीप का निर्माण होता है। गुम्फित नदी के अंदर क्या होता है कि पहाड़ी ढलों से जब भी नदी निकलती है तो ये अलग अलग छोटी छोटी अनेक धाराओं के अंदर बंट जाती है और इसके ऊपर कंकड़ गिरते रहते हैं, बड़े बड़े रेत और कंकड़ पत्थर है वो गिरते रहते हैं, जिससे एक मुख्य नदी की मुख्य धारा है वो कई धाराओं में बंट जाती है। और जैसे जैसे अपरदन होता रहता है इसमें कंकड़ पत्थर गिरते रहते हैं और सारी धाराएं क्या हो जाती है, उन कंकड़ों और पत्थरों के नीचे से होकर के प्रवाहित होने लगती है और पूरी नदी क्या कहलाती है, गुम्फित नदी कहलाती है, गुम्फित हो जाती है। जब भी गुम्फित हो जाती है तो नदी अनेक धाराओं के अंदर बंटती है, जिससे कहीं उसके आसपास यानी कि नदी जो द्वीपों का निर्माण होता है
ऐसा ब्रह्मपुत्र में भी देखा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी भी मध्य भाग के अंदर जब भी आती है तो ये गुम्फित का रूप धारण कर लेती है और अलग अलग धाराओं के रूप में बहने लगती है, जिससे छोटे छोटे कई नदी द्वीपों का निर्माण होता है और उसमें से एक प्रमुख द्वीप का निर्माण होता है, उसका नाम है माजुली द्वीप। तो ऐसा माना गया है कि माजुली द्वीप बनता है और विश्व का आवासीय श्रेणी का सबसे बड़ा ये जो माजुली द्वीप है वो नदीय द्वीप है। अगर आवासीय श्रेणी का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, अभी सरकार ने एक ब्रिज का भी निर्माण किया है, वो शदिया से धुबरी तक है और लोहित नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र की शायक नदी है, लोहित नदी के किनारे एक ब्रिज का निर्माण किया है जो माजुली द्वीप को जोड़ने का काम करती है। तो मित्रों, अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे भारत का दूसरा भौतिक प्रदेश, तीसरा भौतिक प्रदेश है जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के जितने भौतिक प्रदेश है उसमें सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कहलाता है। लगभग 16 लाख वर्ग किमी में ये फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल है, यानी चार भौतिक प्रदेश है मुख्यतः, उसमें से सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार जो गोंडवाना लैंड का एक भाग कहलाता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इससे संबंधित यानी कि पहले भी अपन ने चर्चा की है, लेकिन प्रायद्वीपीय भूपृष्ठ एक दृढ़ भूखंड को प्रदर्शित करता है, दृढ़ भूखंड को प्रदर्शित करता है जो प्री कैम्ब्रियन काल से ही पर्वतीकरण या पर्वत निर्माण काली हलचलों से अफवाहित रहा है। ये भूपृष्ठ की उन प्राचीनतम शिलाओं से बना कठोर क्षेत्र है जिनका सर्वाधिक संदलन या कायांतरण हुआ है। खेदार शिलाओं के इस निम्न तल के बाद के अवसाद एवं विस्तृत लावा प्रवाह जो दक्कन ट्रैप स्थित है, लावा प्रवाह है, प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में अपरदन का कारक सक्रिय रहे हैं, जिससे पठार का विस्तृत क्षेत्र संप्राय मैदान की अवस्था में पहुंच रहा है। यद्यपि प्राचीन पर्वतों के मूल यानी कि ढूंढे जा सकते हैं, परंतु वर्तमान ऊंचाइयों और अनासाधन की विभिन्न अवस्थाओं में बसे अपरदन अवशेष है। इससे संबंधित जो उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व विश्व के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और उस दृढ़ भूखंड का नाम था पेंजिया, जो एक विशाल महाद्वीप का निर्माण होता था। ये महाद्वीप चारों ओर यानी पैंथालासा नामक विशाल सागर से घिरा था। लगभग 135 मिलियन वर्ष पूर्व पेंजिया दो बड़े भागों में विभाजित हो गया और एक उत्तर का जो भूखंड था उसका नाम पड़ा अंगारा लैंड या लॉरेशिया, और अंगारा लैंड या लॉरेशिया से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, हिमालय के उत्तर में स्थित एशिया तथा जो दक्षिण का भूखंड था उसका नाम पड़ा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत के क्षेत्र सम्मिलित है। ये एक दूसरे से एक संकरे सागर के द्वारा पृथक किए जाते थे जिसे टैथिश सागर कहा जाता था। बाद में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड महाद्वीपों का वर्तमान वितरण अस्तित्व में आया और हाल ही में जो हैरी हैश मॉर्गन मैकेंजी की प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार भारत के उत्तर की ओर प्रवाह की शुरुआत लगभग आज से 120 वर्ष पूर्व हुई थी और लगभग 50 मिलियन वर्ष पूर्व भारत और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट यानी जिसका नाम था भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेट के भाग थे और सबसे अंत में क्रिटिशियस काल के अंदर मेडागास्कर से भारत है वो अलग हुआ। उसी समय पश्चिम और पूर्व तटों के सारे
जब मेडागास्कर भारत से अधिक हुआ, अलग हुआ क्रिटिशियस काल के अंदर, उस समय पश्चिम और पूर्व जो तट थे भारत के, उसके सारे अवशवलन हुआ, जिससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की उत्पत्ति हुई, और मध्यवर्ती जो भाग ऊंचे पठार की तरह बसा रहा, और वह भाग प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार वेगनर के सिद्धांत से ये प्रतिपादित होता है कि जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, ये यानी कि गोंडवाना लैंड का भाग है, और प्रायद्वीपीय पठार जो है एक भ्रंशोत के रूप में भी इसका निर्माण मानते हैं, और दूसरा इसका रीजन है दक्कन ट्रेप। यदि अपन दक्कन ट्रेप की बात करें कि दक्कन ट्रेप का जो निर्माण प्रायद्वीपीय धरातल में दरारी उद्भेदन के द्वारा क्रिटेशियस काल में, जो आज से लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व बेसाल्ट के जमाव से हुआ है, और राष्ट्रीय भूभौतिक शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने दक्षिणावर्त और ज्वालामुखीयता का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार 33 मिलियन वर्ष पूर्व नियमित अंतराल पर चक्रानुक्रम में विश्व की ज्वालामुखीयता की प्रावस्था पाई जाती है। दक्कन लावा का उद्भेदन ऐसी ही एक ज्वालामुखीयता का प्रावस्था से संबंधित है, जिसके अंतर्गत भारत के अभ्यंतर की 50 किलोमीटर गहराई से बेसाल्ट का उद्गार हुआ है, और उससे यानी कि दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ है, जो प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग कहलाता है। तो इस प्रकार इससे दक्कन ट्रेप से संबंधित कई सिद्धांत आए हैं। अब अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार के कितने भाग है, इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, इसमें कौन कौन से पठार है, और उन पठारों की उत्पत्ति किस काल के अंदर हुई है, पहाड़ियों की उत्पत्ति किस काल के अंदर हुई है, यहाँ की अफवाह प्रणाली किस प्रकार की है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर यदि बात करें कि प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, इसीलिए अधिकांश जो नदियाँ हैं वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ करती है, यानी कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढाल अधिक है।